हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मार्बर्ग वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा चुका है। WHO ने कंफर्म किया है कि मार्बर्ग वायरस की वजह से 9 डेथ्स हो चुके हैं और ये पेंडेमिक का रूप लेने वाला है। इंडिया के टॉप मोस्ट न्यूज़पेपर्स जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक जागरण है, ABP न्यूज़ है, अमर उजाला है, ये सब भी सभी न्यूज़पेपर ने इसको अपना हेडलाइंस बनाया है। द इकोनॉमिक टाइम्स का भी बोलना है कि हु कन्फर्म्स द आउटब्रेक इन हाईली इन्फेक्शियस मार्बर्ग डिसीज। DNA का भी वही रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वही पब्लिश हुआ है और जी न्यूज का भी वही बोलना है। अब ये मार्बर्ग वायरस है क्या? ये कोई आज की बीमारी नहीं है या ये आज का वायरस है नहीं, ये बहुत पहले से है ना। जैसा आपके सामने चार्ट में डाल चुका हूं, 1967 में फर्स्ट इसका वायरस हुआ था, 31 डेथ्स हुए थे उसके अंदर। उसी तरह से हर साल दर साल कहीं कभी ना कभी जैसा कि आउटब्रेक होते रहता है, तो ये साल भी आउटब्रेक हुआ है और 9 डेथ्स कंफर्म 9 डेथ्स ड्यू टू दिस वायरस हो चुके हैं। तो इसका ट्रांसमिशन मोड क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब आज अपन देखेंगे। ट्रांसमिशन के बारे में बोला गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिशन, ये जिस तरह से कोविड वायरस या इबोला वायरस, जब मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो कि एपिडेमिक या पेंडेमिक फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये बैट से आते हैं, तो उसी तरह से ये भी जो है ये फ्रूट बैट से आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड होता है, उसके बाद में पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट हो सकता है। पर्सन से एक तो ब्रोकन स्किन है, सलाइवा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, कफिंग स्नीजिंग है, ब्रेस्ट मिल्क है, एमनियोटिक फ्लूइड है, सीमेंस है, ये सब चीजें से वो स्प्रेड हो सकता है। पर्सन स्पेशली सीमेन, जैसा कि इन्फेक्टेड वायरस के आदमी के टेस्टिस के अंदर ये घर बनाता है और ये काफी इन्फेक्शियस वायरस है, तो उस तरह से सिमिलरली जैसा कि इबोला फैमिली के वायरसेस जो है, तो वो उसी तरह से ये भी इबोला फैमिली का है। और ज्यादा करके कोई डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, बाकी इन्फेक्शन स्टेज वैसी है। साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताया गया है तो इंक्यूबेशन पीरियड, जैसा इन्फेक्ट होता है तो 2 से 4 दिन के अंदर फीवर, चील्स, हेडेक, बॉडी एक, माइल्जिया, ये चीजें दिखाई देती है। 5वें दिन से नोजिया, वॉमिटिंग है, चेस्ट पेन है, सोर थ्रोट है, एब्डोमेन पेन है, डायरिया, डिसेंट्री वगैरह है, ये सब चीजें होती है। जैसा जैसा डिसीज इंक्रीज होने लगता है वैसे ही जॉन्डिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, सीवियर वेट लॉस है, डेलिरियम है, स्ट्रोक है, एक्चुअली इसे हिमोराइजिक डिसीज भी कहा जाता है। और जैसा कि मेजर साइंस एंड सिम्टम्स, जैसे कि अपन ने बात करें कि ये इबोला वायरस के जैसे मेन फैक्टर ऐसा है कि कोविड से ज्यादा फेटल है। अगर आपको इन्फेक्शन होता है या किसी को इन्फेक्शन अगर होता है तो 23-90% चांसेस है कि वो मर जाए या वो फेटल हो जाए। डायग्नोसिस के लिए इसके लिए कोई स्पेशल टूल्स नहीं है, ऐसी कोई टेस्ट अभी तक इन्वेंट नहीं हुई है कि जिसके वजह से अपन कंफर्मली बोल सके कि बाबा इसको MVD है। मगर एलिजा टेस्ट है, IgG टेस्ट है, IgM टेस्ट है, इसके ऊपर बेसिस के ऊपर अपन बता सकते हैं, जीनोम सिक्वेंसिंग के हिसाब से अपन बता सकते हैं। ट्रीटमेंट जैसा है कि नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ऐसे ट्रीटमेंट कुछ है नहीं इसके लिए, या अभी तक कोई प्रॉपर मेडिसिन बनी नहीं है। इसके ऊपर इन्वेंशन चालू है, एनिमल ट्रायल्स हो चुके हैं मगर ह्यूमंस में उसका ट्रायल्स नहीं किया आला है। तो जैसा कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा इसका, फ्लूइड लॉस है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड, मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सपोर्ट है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, ब्लड लॉस है या ब्लड अगर लॉस अगर है तो ब्लड या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन है, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स है, ये सब चीजें दिए जा सकते हैं, इससे ही इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब प्रिवेंशन बोले तो जैसा कि आजकल के रूटीन लाइफ में या इंडियन संस्कृति में ऐसा है कि कोई झाड़ से फल अगर टूटता है और वो आदमी को दिखता है या मिलता है, या अपन फ्रूट सेलर के पास में जाते हैं तो फ्रूट सेलर भी बोलता है कि बाबा ये तोता खाए वाला फल है तो ये अच्छा रहता है, इसके लिए कुछ अंधश्रद्धा बोलो या कुछ ऐसा बोलो कि भाई बच्चे की जबान अच्छी होती है या अच्छा बोलना आता है, इसके लिए वो फल आदमी खाते हैं, तो वो खाना अवॉइड कीजिए। अगर कोई सिख है तो उसे प्रॉपर सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, अच्छे से हैंड को सैनिटाइजर कीजिए, मास्क लगा के रखिए, अगर कोई प्रिकॉशन अगर है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको ग्लोव है, PPE किट है, ऐसे चीजें, स्टेरलाइज इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करना पड़ेगा क्योंकि उससे भी फैलता है ये। अब जैसा कि अब मैं ये चार्ट इसके लिए बता रहा हूं कि COVID-19 की मोर्टेलिटी ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए तो 5% के ऊपर नहीं है, मगर बेसिकली उसको बताया जाता है कि भाई कोविड से मोर्टेलिटी रेट 1% है, मगर कहीं भी इन एंड अराउंड अगर ज्यादा कम भी देखा जाए तो 5% से ऊपर नहीं है।
मगर इस डिसीज में जो है 23-90% डेथ चांसेस होते हैं। इसके लिए ये इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। ये रिसोर्सेज जो लिया हूं मैंने, ये WHO से लिया हूं और CDC जो सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसके ऊपर से लिया हूं। बेसिकली मेरा बोलना यह है कि COVID-19 के जो प्रोटोकॉल अपन भूल चुके हैं, मास्क लगाना भूल चुके हैं, हैंड सैनिटाइज करना भूल चुके हैं, तो वो वापस से अपने को लाइफ में लाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने मेरे डिसीज एक्स के वीडियो में जैसा बताया है कि कोई भी एक वायरस जो है वो नेक्स्ट पेंडेमिक का रूप ले सकता है। डिसीज एक्स जो है वो उस तरह से एक डिसीज एक्स बन सकता है, ये भी एक डिसीज एक्स के जैसा बन सकता है, ये भी इतना एपिडेमिक या इतने लाशें जो है वो अपन देख सकते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं कि कोविड का 1% मोर्टेलिटी रेट है था, मगर फिर भी इंडिया इतना सफर हुआ है, इतने लाशें आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखा हूं। तो ये जो डिसीज है, ये डिसीज अगर इंडिया में आता है तो ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी रेट 90% तक मोर्टेलिटी है कि भाई इन्फेक्शन हो गया तो उसका बचने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है। प्रॉपरली मेडिकेशन लीजिए अगर आपको सर्दी कॉलरा वगैरह ऐसा है, कि ये बहुत ही कॉमन डिसीज के सिम्टम्स है, ऐसे मेजर सिम्टम्स नहीं है कि बाबा ये कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखेंगे। मारबार वायरस के जो सिम्टम्स है वो कॉमन सिम्टम्स है, लोग उसको जॉन्डिस बोल के या कॉलरा बोल के या और कोई डिसीज बोल के उसको मिस हैंडल कर सकते हैं, तो इसको मिस हैंडल ना कीजिए। अगर तकलीफ होती है आपको, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपके प्रॉपर से डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, आईवी फ्लूइड से बचिए, रिकरेंट आईवी फ्लूइड या रिकरेंट एंटीबायोटिक से यूज से भी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो अपन ने देखा है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से भी बहुत सारी मौतें होती है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अननेसेसरी यूज ऑफ मेडिकेशन, अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स टालिए, खुद भी सेफ रहिए, लोगों को भी सेफ रहिए। अगर आपको तकलीफ होती है तो खुद का खुद प्रिवेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे वीडियो से थोड़ा भी बहुत यूजफुल है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।